निकल गया। बब्बे तेरा फोन का है? मेरे पास है, दिखा। बस कर, बढ़ाएंगे। क्या बात है, मजा आ गया। ओ भाई, फन आ गया, फन। वेलकम टू द चैनल येट अगेन गाइज। आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा चैंपियन, मेरा शेर लवजोत मुझसे मिलने आ रहा है। ही इज लॉस्ट ओवर 70 kgs। अपने अंदर से पूरा इंसान निकाल दिया भाई उस बंदे ने। अगर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वालों के पास ये वीडियो पहुंच गई तो भाई लवजोत तू बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएगा। और क्या पता ये वीडियो भी फेमस हो जाए, बिकॉज इस वीडियो का एक ही मोटिव है, विच इज़ टू मोटिवेट लवजोत टू लूज अनदर सेट ऑफ 40 kgs। क्योंकि अभी उसने मुझे अपना ओरिजिनल वेट बताने को मना किया है क्योंकि उसको श्रेडेड होना है पूरा। हम जून 2020 से एक रहे ट्रांसफॉर्मेशन और अब जाकर हमारा 70 kgs का टारगेट रीच हो गया है। ही वॉज वेरी वेरी ओवरवेट। मैं उसका ओरिजिनल वेट भी नहीं बता सकता बिकॉज आई डोंट हैव द परमिशन और मैं उसके परमिशन के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू लवजोत, मेरी बात सुन। एक साल के बाद तू ये वीडियो दोबारा देखेगा एंड उस टाइम पर तू श्रेडेड होगा। अभी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन करी है वो सिर्फ वेट लॉस लग रही होगी आपको एंड अ लॉट ऑफ मसल गेन, पर एक साल के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन श्रेडेड ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। और लवजोत भाई अपने माल वाले बैग में से माल निकालते हुए, क्या माल लेते हैं भाई तू? कैसे हो गए तेरे 70 kgs कम इतना? बताना नहीं किसी को, बॉडी ऐसे बनती है। हाँ क्यों, कोई बनाएगा नहीं? कोई बनाएगा नहीं। क्या ले रहे हैं वैसे, बता तो सही। सिट्रोलिन लेता हूँ, 2-3 ग्राम। किसने डिवाइस किया तेरे को लेने के लिए? वन एंड ओनली एकांश भी है। अच्छा भाई एक बात बता, बहुत सारे लोग सोचते हैं जो बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हैं, जिनका वेट बहुत ही ज्यादा है, 150 से भी ऊपर है, तो उनके लिए तू क्या कहना चाहेगा भाई? उनको लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो भाई सब कुछ और खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं हो सकता, जिनकी उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ट्राई देना चाहिए हर चीज को, कोई चीज का ऐसा नहीं है नहीं हो सकती, हर चीज पॉसिबल है। बस ये होना चाहिए, मी वर्सेस मी होना चाहिए हमेशा। बट तेरा माइंडसेट क्या था जब तूने जून 2020 में लॉकडाउन के अंदर क्या सोच लिया ऐसा कि भाई अब जब जिम खुले थे तब तू कुछ कर नहीं पाया लाइफ में, तो लॉकडाउन के अंदर कौन सी हिम्मत आई तेरे अंदर? लाइक उस समय तक मैंने 12th में पेपर्स दिए हुए थे, अभी अभी मेरे बोर्ड्स फिनिश हुए थे, और उससे पहले मैं लाइक रेगुलर बेसिस पे मैंने अभी कैलकुलेट भी किया था पीछे, 6.5 से 6,000 कैलोरीज खा रहा था रोज पे रोज, तो मैंने बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया था लास्ट 4 ईयर्स में। तो वही था, एक बार मैंने सोचा हुआ था कम करूंगा, इतना तो है मेरे में दम कि मैं कम करके ही रहूंगा। क्या बात है। और अभी मैंने बताया ऑडियंस को कि अभी हमने 40 किलो और कम करना है और पूरे श्रेडेड होना है एक साल के अंदर, बिल्कुल है ना? एब्स निकालने हो। चल आज मेरे कहने पे एक और चीज ऐड करियो, इसके अंदर हम एक स्कूप डालेंगे EAA और एक स्कूप क्रिएटिन और 2 ग्राम सॉल्ट। ओके फिर देखते हैं, तू क्या पूछ रहा था ना उस दिन सॉल्ट से आते पंपिंग, आज तेरे को फील कराऊंगा। और जाते जाते पूरी की पूरी स्टोरी बताएगा लवजोत कि इसके साथ क्या क्या हुआ है जिम में, कौन से जिम गुरु जी मिले से। बहन जाती थी तो बीच में ऐसे ही चला जाता, तो वहाँ पे जाके थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करी पर नहीं हुआ, फिर वहाँ जाके वापस में मोमोज खा लेता भाई। जैसे मैंने वो किया एक्सरसाइज करके आया वापस में मैंने मोमोज खा लिया। अच्छा तो फिर एक बात बता भाई, मतलब ये वीडियो का जो मोटिव है वो फुलफिल हो, कि ऐसा दिमाग में क्यों आया, लाइक तेरा वाय क्या था? कि क्योंकि एक होता है ना कि 2-3 महीने बाद ऐसा लगता है यार चल 20-30 किलो कम कर लिया, मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, पर तूने रेस्ट लिया ही नहीं। मतलब तू एक ऐसा क्लाइंट है मेरा जिसको देख के मैं शॉक में आ जाता था कि भाई बस अब रुक जा, तेरे को कितनी बार गाना मैंने कि भाई रेगुलर डाइट कर लेते हैं अभी थोड़ा स्लो हो जा। तू कह रहा नहीं भाई काटना ही काटना है, करना ही करना है, तो वो तेरा इतना स्ट्रॉन्ग क्या वाय था मेरे को जानना है आज ही, तूने मुझे भी नहीं बताया, कि जिसकी वजह से तू रुका ही नहीं और तू करता ही चला गया। ना करने का रीजन ही नहीं था, अगर ना करता तो लाइक मेरे को लाइक सोने में प्रॉब्लम हो गई थी, लाइक जब मैं सोता था तो हार्ट में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, आई कुड फील कि भाई कुछ हो रहा है, नसें वगैरह हो रही है, वरना यही था अगला स्टेप यही था कि मैं बहुत ओवर हैवी हो जाता या फिर यंग एज में बहुत खराब हो जाता था। द थिंग इज कि अगर उस पोस्चर से उस पोजीशन से बंदा यहाँ पे आ सकता है ना तो कोई कुछ भी कर सकता है। इससे ना क्या होता है, बेसिकली सॉल्ट से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो अंदर वैसोडाइलेशन जो सिट्रलिन करता है ना काम, उसी के साथ में ये कॉन्ट्रडिक्टरी, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी कह रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट में,
कंपाउंड इफेक्ट आएगा तेरे को तो और ज्यादा अच्छा पंप आएगा क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। सिट्रिलिन डालो भाई। सो ये मेरे पास क्रिएटिन भी आ चुका है अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन का, इफ़ यू वांट टू ऑर्डर फॉर योरसेल्फ यू कैन, बहुत अच्छा है, इससे कोई ब्लोटिंग भी नहीं होती। सो ये गया इसके अंदर, नाउ वी गोना गो, डाल भाई, शेक करके पीते हैं और धाकड़ सा वर्कआउट करेंगे। शूट द ग्लूट्स, शूट, बढ़िया, अरे परफेक्ट पोस्चर भाई, मजेदार, कम ऑन नवजोत, रैरी व्हील्स लग रहे हैं भाई बिल्कुल, कम ऑन। कितने मार गया, कितने मार गया, ट्रेनिंग विद द इंडियन लैरी व्हील्स टुडे, ये डालूंगा टाइटल में। 140 केजी, टाइम टू फ्लाई, चल इंडियन लैरी व्हील्स, चल कम ऑन। अरे वो हो गया, लूज पड़ गई है बैंड, अरे यार पंजाबी लैरी व्हील जब चल शूट, वो बहुत बढ़िया, 1 कम ऑन, 140 इजी, 2 एफर्टलेस, मजा ही आ गया, ओ हो हो, तगड़ा, 3 चल चल, 4 5 ये बात मेरी जान, बहुत बढ़िया, बस कर, बढ़ाएंगे, क्या बात है। इतनी मुश्किल से, और अब लवजोत का देखना, फेदर वेट की तरह फेंक देगा वेट को बाहर ही, छत से नीचे। एंड वी फ्लाइंग, कम ऑन, शूट द ग्लूट्स फॉरवर्ड, कम ऑन, फक, बढ़िया, 1 एंड 2 चल, एंड 3 ये बात, 4 इजी, ऐसे लग रहा है वार्म अप कर रहा है, चल कम ऑन, 5 ब्रीद, 6 टू मोर लवजोत, कम ऑन, 7 काश लैरी व्हील से शेयर कर दे वीडियो, मजा आ जाएगा, 8 इंडिया में टैलेंट वेस्ट हो रहा है, ये जो लास्ट रेपिटेशन किया है, हाँ गलत, चाहे वीडियो बना रहा हो कोई, चाहे तेरी तारीफ हो रही हो, चाहे तेरे को हाइप अप कर रहा हो, जब पता हो कि फेलियर आ गया है उसके बाद ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, ठीक है ना, डन।
बर्ड वगैरह बहुत धाकड़ हो गया है पंजाबी लैरी व्हील के साथ। अब भाई जाते जाते लोगों को अपनी एक इंसिडेंट बता जो तेरे पास लोग आए हैं आज तक, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो भी वेट लॉस कर रहे हैं और उनके पास ट्रेनर डीमोटिवेट करने वाले जिम ब्रोज आते हैं, तो भाई क्या तेरे साथ कैसा क्या हुआ था, इंस्पायर कर लोगों को। बहुत लोग आए मेरे पास कहते हैं भाई, जब मैंने आई गेस अराउंड 25 kgs लूज कर चुका था, फिर आए कहते भाई तेरी लूज स्किन रह जाएगी, हमसे ले ले सामान चलाना ही पड़ेगा आखिरी में, इतना वेट लॉस नहीं हो पाता, तेरा मेटाबॉलिज्म ब्रेक हो जाएगा, सब हो जाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है। फिर स्लो मैंने कहा कोई नहीं होएगा, पर मैं देना चाहूँगा, नेचुरली करना चाहता हूँ, अगर नहीं हुआ कोई नहीं, पर मैं ये फैट बर्नर वगैरह यूज नहीं करना चाहता, लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है, सब कर सकते हैं, पर मेरा मन था कि मैं नेचुरल करूँ, मेरे में है इतना तब मैं क्यों कर सकता हूँ, मेरे को पता था इतना। फिर बस वो आए मुझे हर बार आके बोलने लगते कि भाई यूज कर ले, इंजेक्शन चला ले, इंजेक्शन चला ले, तेरी ऐसी बॉडी बनेगी। बहुत बार आए कहते भाई 4 महीने दे 4 लाख रुपए वरना तेरे पैरों के नीचे से निकल जाऊंगा। ऑब्वियसली वो कह रहे 4 लाख रुपए, मैं 4 लाख नहीं दूंगा, मैं अपने दम पे बना लूंगा, 4 महीने लेट बनाऊंगा, पैसे बचाऊंगा और अपने दम पे नेचुरल बनाऊंगा। और एक अच्छी चीज करी इसने, तूने उसको मेरी प्रोफाइल दिखा दी थी ना मेरे को, तो भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो एक ही शब्द कहना चाहूंगा तेरे मुंह पे, लॉल बोल दे भाई, लॉल भाई लॉल हो गया भाई तेरा। तो भाई तुम्हें डीमोटिवेट करने वाले और टेम्प्ट करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, कभी होना नहीं, बस लगे रहो, पहुंच जाओगे। सबसे बड़ी खेल इस समय पेशेंस की है वेट लॉस में, और कोई चीज की नहीं है, पेशेंस रखो। कई बार ऐसा होएगा एक एक महीना वेट लॉस नहीं होगा पर इंच लॉस होएगा, बोलिया दोनों बढ़िया, इंच लॉस होएगा। और कभी भी वेट तुम्हारा मेजर नहीं होना चाहिए, तुम्हारी बॉडी लुक क्या चाहिए फ्यूचर में, कैसे तुम अपने आप को सोच रहे हो कि वैसा बनाना है, फिजिक करना है, लाइक विजुअलाइज कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, तो उस पे फोकस करता हूं। तो भी बता रहा था ना तेरे को आशीष से बड़ी मोटिवेशन मिली, आशीष भैया है एकांश भैया के क्लाइंट है, जब मैंने नी किया था और मैं सिर्फ भैया को देखता था तो मैं आशीष भैया उनको देखता था और अपने आप को विजुअलाइज करता था, क्योंकि उस समय उन्होंने नए नए एब्स निकाले थे और वो मेरे जितने वेट के थे, अराउंड बहुत हैवी थे, बफी से थे और उन्होंने एब्स निकाले, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि यार मैं पिक्चराइज करता था, जब जब मैं वॉक करने जाता था, जब जब मैं जिम में वेट्स उठाता था तो मैं आशीष भैया एकांश भैया इन सबको पिक्चराइज करता था कि यार इन्होंने किया मैं भी कर सकता हूँ। तो बात ये भाई आशीष इंस्पायर हो गया लड़का, दिक्कत है और बात भी यही है सारी की सारी, अगर तुम अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हो ना, इंस्पायर हो रहे हो, जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम लवजोत को एज एन इंस्पिरेशन रखो और अपने आप को पिक्चराइज करो कि तुम्हारे स्क्रीन पे जो लोंडा आ रहा है ना, जो ऐसे ऐसे करके चल रहा है और बाइक पे घूम रहा है जिसे बाइक भी नहीं दिख रही और वो ऐसा हो गया है, एंड अभी तो हाफ वे थ्रू है जस्ट, मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 अभी इसलिए दिखाया है कि भाई लॉल हो जाए उन बंदों का जिसने इसको डीमोटिवेट किया था। और जितने भी मेरे भाई है ना ओबीस ओवरवेट, शरीर है मिट्टी है, जैसे ढालोगे ढल जाएगी भाई, ठीक है। तो इसलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, लवजोत को अब मैं आपसे मिलाऊंगा सीधा श्रेडेड होने के बाद, तब तक मैं शक्ल ही नहीं दिखाऊंगा इस बंदे की, बाकी इसको फॉलो कर लो जाके, ये अपनी जर्नी वहां पे अब डॉक्यूमेंट करने वाला है। पहले इसको भी थोड़ा स्केप्टिकल होता था कि भाई मैं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, बट नो डाउट नाउ जिसको भी हेल्प चाहिए वो डीएम कर देना, इज अ वेरी नाइस गाय, तो मैं रिप्लाई जरूर आएगा। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय गाइज, एंड आई लव यू, बाय गाइज।